अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल बिजनेस स्कूल में। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जानते हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बिजनेसमैन के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी लेके आती है तो उसकी अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाती है। जी हाँ, आज भी आप हजरात के लिए एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च कर रही है, बल्कि लॉन्च कर चुकी है। 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। किसे दे रही है, किस मकसद के लिए दे रही है? तो ये सब्सिडी जो है ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, जिनका ताल्लुक ज़राअत से है, एग्रीकल्चर से है। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा वो काश्तकार उठा सकते हैं या वो लोग उठा सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं लेज़र लैंड लेवलर ख़रीदने में। मतलब कि अगर आप लेज़र लैंड लेवलर ख़रीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आपको 2,50,000 रुपये की सब्सिडी दे रहा है। सपोज़ अगर एक लेज़र लैंड लेवलर 4 लाख का है तो उस पर आपको 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई करने की क्या है, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि शरायत क्या है, क्या आप उन शरायत पे पूरा भी उतरते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है 1700 यूनिट्स जो है लैंड लेज़र लेवलर के वो तकसीम कर रही है एक तरह से कह लें, और उन पर आपको सब्सिडी मिल रही है 2.5 लाख रुपये की। तो उसको लेने के लिए आपके पास तो शरायत है, उन पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो सबसे पहली शर्त जो है वो बंदा जो लेज़र लैंड लेवलर ख़रीदना चाहता है इस स्कीम के तहत, उसके पास अपना ज़ाती ट्रैक्टर होना लाजम है। अगर आपके पास अपना ट्रैक्टर है तो तब आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी शर्त जो है वो बहुत मुझे अच्छी लगी है, मज़े की लगी है, कि आपके पास जो आपका रकबा है वो 12 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा है या नहीं भी है, सिर्फ आप ज़राई सर्विसेज देना चाहते हैं, रकबा नहीं भी है, फिर भी आपको ये सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 12 एकड़ से ज़्यादा रकबा है तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मुझे ये अच्छी इसलिए लगी है कि इससे जो फ़ायदा है वो ज़्यादा उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा जो कि वाकई ही इस चीज़ के हकदार हैं। और वो रिकमेंड भी यही कर रहे हैं कि वो लोग जो अपनी ज़मीनों में नहीं बल्कि लोगों को सर्विसेज देने के लिए इसे ख़रीदना चाहेंगे, अपना बिज़नेस करने के लिए और लोगों को सर्विस देने के लिए ख़रीदना चाहेंगे, वो हमारी तरजीही बुनियादों पर होंगे। और ऐसे तमाम अफराद जो पहले इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं पिछले साल या उससे पिछले साल या कभी भी, वो इस स्कीम से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, उनको इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो दरख्वास्त फॉर्म जो है वो आपको डायरेक्टर डिप्टी ज़रात या असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात के ऑफिस से मिल जाएगा। उसको आप लीजिए, उसको फिल कीजिए और उसके साथ जो भी दस्तावेज़ात वो आपको बताएंगे वो लगा कर आप डिप्टी डायरेक्टर ज़रात के ऑफिस में जमा करा देंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये इनके ऑफिसेज कहाँ होते हैं। इनके ऑफिसेज अगर आपके करीब कहीं जो छोटा शहर है वहाँ पे नहीं है तो जो आपकी तहसील है वहाँ पे लाजमी इनके ऑफिसेज होते हैं। वहाँ पे जाके आप फॉर्म जमा भी करवा सकते हैं, वहाँ से आप दरख्वास्त फॉर्म ले भी सकते हैं। उसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म लेने के लिए इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूँगा। उससे पहले हम बात कर लें कि इसकी लास्ट डेट क्या है। 10 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट है दरख्वास्त जमा करवाने की। तो अपनी दरख्वास्तें जल्द अज़ जल्द जमा करवाइए ताकि आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। इसकी इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नीचे जाइए, उस पर क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएँगे। वहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं मज़ीद डिटेल के साथ, और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगर आप क्राइटेरिया पर पूरे उतरते होंगे तो आपको 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी ज़रूर मिलेगी लेज़र लैंड लेवलर मशीन पे। तो ये जो अभी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, तो पंजाब के लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट किसी सूबे के बारे में अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अगर आप इस तरह के मज़ीद अपडेट्स और बिज़नेस आइडियाज़, एक रूटीन के जो बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले दीगर अपडेट्स जो हैं वो भी आप तक वक्त के साथ साथ पहुँचते रहें। अपने होस्ट मंजर वकास को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से बिज़नेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।